दोस्तों 8 जून 2021 यानी कि वर्ल्ड ओशन डे के दिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने सदर्न ओशन को ऑफिशियली पांचवें महासागर के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो इसके साथ ये बन गया है दुनिया का पांचवा महासागर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले के चार ओशंस कौन से हैं, तो उनके नाम है अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। सदर्न ओशन एकमात्र ऐसा महासागर है जो अन्य तीन महासागरों से यानी कि पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशन से अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। ओशन के बाउंड्रीज को डिफाइन और उनके मैपिंग का काम इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसके 94 मेंबर्स स्टेट्स है। ऑलमोस्ट सभी देश मराइनर्स और साइंटिस्ट जनरली इसी के बनाए मैप्स को यूज करते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन अपने अराउंड लोकेटेड कॉन्टिनेंट्स से डिफाइन होते हैं, लेकिन सदर्न ओशन इस मामले में सबसे अलग है। इसे अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट की बाउंड्री के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। ये ओशन करंट एक कंटिन्यूस और डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर है जो रफली 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट लगभग 34 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था जब अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका अलग हुए थे। इस करंट की वजह से महासागर का पानी अंटार्कटिका के चारों तरफ घूम पाता है और इसी की वजह से एक इम्पोर्टेंट फिनोमिनन पूरी दुनिया के महासागरों में चलता है जिसे कहते हैं ग्रेट ओशियन कन्वेयर बेल्ट, जिसके कारण वार्म और कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन बना रहता है। इसी की वजह से अंटार्कटिका के आसपास ठंडा और कम सॉल्टी पानी पाया जाता है जिसके कारण यहाँ की इकोलॉजी बाकी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। इस रीजन में करीब 9000 से ज़्यादा मरीन स्पीशीज रहते हैं। इसमें से कोई स्पीशीज ऐसे भी है जो कहीं और नहीं पाए जाते। सदर्न ओशन का कोल्ड डेंस वाटर अंटार्कटिका कोस्ट के पास ओशन फ्लोर में सिंक होता है जो इसे ओशन के अंदर डीप में कार्बन स्टोर करने में भी मदद करता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से सदर्न ओशन लगभग 75% एक्सेस ग्लोबल हीट को कैप्चर करता है और लगभग 35% एक्सेस कार्बन को। इसलिए ये हमारे प्लैनेट का प्राइमरी कार्बन और हीट स्टोरेज सिस्टम भी है जो ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।